स्टोर शॉर्ट्स तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज मैं लगाने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी प्लांट को इस ट्रे के अंदर। जैसा कि ये देख रहे हैं ये बड़े साइज़ की है, तो थोड़ा सा मैं इसको जो है 3 स्ट्रॉबेरी के प्लांट इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो ये प्लांट जो है मैंने पिछले वर्ष भी लगाए थे, पता नहीं है किस कारण बस ये जल्दी ही मर जाते हैं। ऐसी गर्मी शुरू होती है और तेज़ गर्मी आने से पहले ही ये ख़त्म हो जाते हैं। किसी के पास शायद ही रहते हों, पर ये मेरे पास तो 2 बार से मैंने लगाए थे 2 साल, तो दोनों साल मर गए थे। अब फिर भी मैं एक बार और लेकर गया हूँ। अब मैं देखूँगा इसे शेड में रख करके थोड़ा सा गर्मियों में। इसके साथ एक्सपीरियंस मेंट भी होगा मेरा, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का तो मेरा बहुत ही सही नहीं रहा। फिलहाल अब मैं जो इसके साथ मिट्टी लेने वाला हूँ वो मेरी गार्डन सॉइल है। नॉर्मली गार्डन सॉइल जो होती है वो है गोबर की खाद है, राइस हस्क कुछ दाने मिले हुए हैं और कुछ गोबर की खाद है, बस यही चीज़ें हैं। बाकी ये देखें इस ट्रे के अंदर जो है होल है, जैसा कि होना चाहिए वो छेद हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, मतलब इस ट्रे के अंदर तो करे कराए थे, तो इसको हम जो है कवर कर लेना है। हमारे तो इस तरीके से ये हमारे छेदों को जो है कवर कर लेना है आपने। अगर ये छेद अगर आप कवर नहीं करेंगे तो इसमें जो है मिट्टी घुसेगी और मिट्टी जो है फिर इसके रास्ते को बंद कर देगी। तो उसी के साथ हम ये मोटा मोटा जो हमारा मटेरियल है, जो भी गार्डन वेस्ट है या किचन वेस्ट है, उसको हम लेंगे। उसको लेने के बाद आप जो है ये देखिएगा, ये गोबर की खाद है पर ये जो है बहुत आसानी से टूट जाएगी। ये जैसे ही पानी पड़ेगा तो पानी के साथ जो है खुद ब खुद मिलती चली जाएगी, एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। तो फिलहाल इसको मैं भी भर लेता हूँ फोड़े के साथ और बाकी मैं लगा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा तो फिलहाल ये मेरा जो है यहाँ तक मैंने कर लिया है फिल, इसको भर लिया है और भरने के बाद ये देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा भर चुका है मेरे ख्याल से। तो इसकी हम थोड़ी सी मीडिया निकालेंगे क्योंकि हमें जब ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा निकाल लेना चाहिए। बाकी इसका रिजल्ट जैसा भी होगा मैं बताऊँगा आपको। मैंने लगभग प्लांट की जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ईजीली मिल जाएगा। और इसके बेबी प्लांट जब निकलते हैं ना तो यहीं से देखें इसकी रूट देखें माशाल्लाह कितनी डेवलप है। तो इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है, इस तरीके से ही इसको रख देनी है जैसे मैंने रख दिया है। और ऊपर ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को आप चाहें तो हटा सकते हैं और यहीं पर गिरा दें पॉट के अंदर ही। और इसकी मिट्टी जो होती है रेतीली मिट्टी होती है ताकि इसके अंदर पानी ना रुके। पानी रुकेगा तो जाहिर सी बात है जड़ें सड़ेंगी, जड़ें सड़ेंगी तो प्लांट कोई भी सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से ये हम दूसरा वाला भी लगाने वाले हैं, ये देखिए। और इस पर भी देखें माशाल्लाह से फ्रूटिंग भी है और फ्लावरिंग भी हो रही है, देखें ये देखें। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, ये बढ़िया चीज़ होती है वैसे तो इजीली मिल जाती है, मगर एक बार जो है जब आप घर पे उगाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और बाकी ये देखिएगा हमने इसको इस तरीके से यहाँ सेट कर देना, बाकी इनकी जो है सारे फ्रूट को हम एक साइड में निकाल देंगे। अब रहा हमारा तीसरा एंड थर्ड प्लांट, इसके अभी मेरे ख्याल से फ्रूटिंग नहीं हुई है, अभी फ्लावरिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला इस पर जल्दी ही फ्रूट लगेगा और इसकी भी ग्रोथ माशाल्लाह ठीक ठाक है, बढ़िया है। ये देखिएगा ऊपर की मिट्टी को बस आपको छेड़ना है और बाकी इस तरीके से इसे भी हम यहीं पर रख देंगे। ये देखिएगा ये मेरे 3 प्लांट रख चुके हैं। अब इसे मैं जो है इस तरीके से जो हमारी मीडिया है गार्डन सॉइल है उससे भरेंगे और इसे भरने के बाद जो है इसे छायादार जगह पर कम से कम 3-4 दिन रखना है आपको, क्योंकि अभी हमने शिफ्ट किया है, थोड़ी थोड़ी इसकी रूट हिली हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर इफेक्ट आएगा। पर जब हम इसे शेड में रख देंगे तो ये 1-2 दिन में माशाल्लाह शेड हो जाएगा और जब शेड हो जाएगा तब इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। तो ये देखिएगा ये हमारा प्लांट हो गया है लगकर रेडी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इसी तरीके के और भी आप जानना चाहते हैं कि किस किस तरीके के फ्रूट प्लांट आप लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी भी एंड हो चुकी है और ये प्लांट जो है मेरा देखूंगा कब तक चलेगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी जब ये डेड होगा मरने पर आएगा कि कितने टाइम तक ये चला और कितना एवरेज एंड इस पर फ्रूट आया, वो भी आपको सारी जानकारी दूँगा। तो आप हमारे मेन चैनल दृश्य वर्डन स्टोर पर भी जाकर के बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी वहाँ पर, सारी
ऑल कैटेगरी की, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लांट्स से रिलेटेड। ये हमारा हो गया लक्कर रेडी। अब इसको हम एक दो दिन के लिए छाया जगह पर रखेंगे। फिलहाल मैं इसमें पानी दे दे रहा हूँ, अभी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ पानी दे करके। तो इस तरीके से हमें जो है पानी दे देना है, और ये देखिएगा अगर आपका मीडिया अच्छा होगा तो बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाएगा ये पानी हमारा, और अगर आपका मीडिया अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा और हमारे पौधे सड़ना गलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।